की खूंटी बनपर मंडल, जिसका दो रेंज कमार रेंज और गुंडू रेंज हमारे पांच परगना क्षेत्र में है। और खूंटी बनपर मंडल ने अपने आवेदन प्रक्रिया में थोड़ी सी चेंजेस किए, जो पहले के जो भी नियम थे उनमें थोड़ी सी बदलाव हुई है, तो आपको ये जानना जरूरी है ताकि आप आसानी से अपना आवेदन जमा कर सके और आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, किसके पास में आपको साइन करवानी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें कि ये बहुत बड़ी खबर है। तो जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है, तो पुराने तरीकों से जो आप आवेदन करते थे अब उन तरीकों से अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी हाथी से भी बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है मुआवजा का, और हाथी निरंतर क्षति कर रहा है और लोग परेशान हैं कि किस तरह से हम मुआवजा आवेदन करेंगे, आवेदन किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करना पड़ता है, इन सभी बातों को आज मैं बताने वाला हूँ। तमाड रेंज और बुंडू रेंज का जो आवेदन फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो कागजात आप पहले देते थे संलग्न करना पड़ता था उन कागजातों में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है, जो सिग्नेचर किया जाता था उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। तो अभी आपको आवेदन जमा करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन के साथ में अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद या खतियान, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जो आपका खतियान है उसी खतियान के आधार पे आवेदक का वंशावली बनाया जाएगा और उसे मुखिया के द्वारा अटेस्टेड यानी सत्यापित करवाना जरूरी होगा। अगर आप मुखिया से सत्यापित किए बिना अपने वंशावली को लिख के जमा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए इस बात को ध्यान रखें। वन परमंडल पदाधिकारी खूंटी के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि आपको अपने खतियान पे अपना वंशावली यानी आवेदक का वंशावली खतियान पे जिसका नाम है उसके आधार पे आपको बनवाना होगा और उस वंशावली को अपने मुखिया से सत्यापित करवाना जरूरी है। ये एक बदलाव किया गया है, पहले इस तरह का नियम नहीं था लेकिन इस बार से यह नियम लागू हो गया है कि आपका जो वंशावली है उसे अपने जनप्रतिनिधि से आपको अटेस्टेड करवानी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पहले जैसे आपका क्षति होता था तो एक दो या तीन फॉर्म भी जमा होते थे, अलग अलग जगहों पे क्षति होता था तो अलग अलग फॉर्म आप जमा करते थे, पर इस बार इसमें थोड़ी सी बदलाव कर दी गई है। इस बार जो निर्देश आया है उसके अनुसार अगर आपका तीन या चार खेत अलग अलग प्लॉट पे अगर आपका क्षति हुआ है तो एक ही आवेदन पे आप तीनों के अलग अलग फोटो आपको लगानी पड़ेगी, साथ ही आपको तीनों जमीन के डिटेल्स एक ही आवेदन पे देना पड़ेगा, यानी आपको अब दो तीन खेतों के लिए अलग अलग आवेदन देने का जरूरत नहीं है। साथ ही एक सख्त निर्देश भी जारी किया गया है वन परमंडल पदाधिकारी खूंटी के द्वारा कि एक ही परिवार से एक से ज़्यादा आवेदन जमा ना हो, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही घर से अगर दो तीन फॉर्म आप लोग आवेदन अगर जमा कर रहे हैं तो शायद आपका एक ही आवेदन स्वीकृत किया जाए, बाकी आवेदन आपका स्वीकृत ना किया जाए। तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि आप जितने भी आपका नुकसान हुआ सब अलग अलग खेतों का अलग अलग प्लॉटों का आप सारा ब्यौरा एक ही आवेदन पे अलग अलग फोटो के साथ में आप संलग्न करें, तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही आवेदन में आपका सारा जो भी क्षति है वो क्षति आपका कवर हो जाएगा, आपको दो तीन आवेदन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अभी उससे भी बड़ी एक समस्या शायद किसान भाइयों को फेस करना पड़ता है कि आवेदन हम कहाँ पे जमा करें, ये एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको आवेदन तो कहीं पे भी मिल जाएगा और अगर आप हाथी मित्र ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको समय समय पे आवेदन का फॉर्मेट दिया जाता है, वहाँ से आप आवेदन ले सकते हैं। उसके बाद में बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स साइन वगैरह आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद सभी के मनों में एक बात रहती है कि हम इस आवेदन को जमा कहाँ से करें, कहाँ पे जमा करें, किसके पास जमा करें ताकि सही जगह पे ये आवेदन पहुँचे और आवेदन रिजेक्ट ना हो, अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो प्रॉपर तरीके से आपको सूचित कर दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आवेदन को भरने के बाद में अपने मुखिया से जनप्रतिनिधियों से आप उसे
अटेस्टेड करवाइए, वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के बाद में आप उसे जाके अपने वन क्षेत्र पदाधिकारी के जो ऑफिस है यानी रेंज ऑफिस पे, बीट ऑफिस पे आप उसे जाके जमा कर सकते हैं। यानी जो भी फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, जो भी फॉरेस्ट कर्मी हैं, उनके पास में आप जमा करें और आप उसके बदले में एक रिसीविंग भी उनसे आप ले सकते हैं। यानी आप अगर दो कॉपी लेके जा रहे हैं तो एक कॉपी आप रिसीविंग के तौर पे रख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा क्षति हुआ है तो एक साथ में 10-12 किसान इकट्ठा होके अपना आवेदन लेके जाएं और उनका रिसीविंग भी आप जरूर लेते आएं। इससे क्या होगा कि आप भविष्य में कभी भी उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो किस कारण से हुआ, कहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये सारा डिटेल्स आपको उस रिसीविंग के माध्यम से पता किया जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आवेदन को जब भी आप जमा करें तो एक रिसीविंग आप ले लें, इससे आप कभी भी उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी को अच्छे से मुआवजा मिल सके, किसी का मुआवजा कैंसिल ना हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आप हाथी मित्र व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हाथी की जानकारी जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।